दोस्तों आज वाला ये जो मैच है ये एक बार वापस ट्रिकी मैच होने वाला है, मतलब कल वाले मैच जितना ट्रिकी नहीं होगा, लेकिन हाँ यार ट्रिकी तो ये वाला मैच भी है। तो देखो यार जिस तरीके से हमने कल वाले मैच में वन साइडेड क्लीन स्वीप करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, वैसे ही अगर आपको आज भी प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना है और उसके बाद इस मैच में इन्वेस्ट करना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप कितना इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट इस मैच में निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों ये वाला जो मैच है ये प्रिटोरिया कैपिटल्स और पार्क रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि साउथ अफ्रीका टी20 का फर्स्ट सेमीफाइनल है, जो कि आज रात को 9 बजे दी वॉन्डर्स स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। अब हमेशा की तरह दोस्तों आपको इस मैच में जीतने के लिए जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को तो आप ध्यान से देख लोगे, लेकिन दोस्तों मेरी एक बात और सुनो कि यार आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, इस मैच से रिलेटेड एक डेमो टीम बना के दिखा दूंगा, लेकिन यार इस मैच की जो फाइनल टीम होगी जिससे मैं खुद भी खेलूंगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलती है, वो तो यार आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती ना, क्योंकि वो अभी तक बनी नहीं है, ठीक है। अपनी फाइनल टीम बनती है टॉस होने के बाद, जब अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आ जाती है। तो अपनी जो भी फाइनल टीम होगी दोस्तों इस मैच की, वो हमेशा की तरह टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। तो आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है, आपको ज्वाइन जरूर करना है। और ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से फिलहाल में 1,37,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया है, आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। अभी जाकर ज्वाइन करना चाहो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, इस वीडियो को खत्म करने के बाद ज्वाइन करना चाहो बाद में कर सकते हो, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई यार कहाँ पीछे रह रहे हो, क्योंकि लगभग 5 लाख लोग ऑलरेडी हमारे साथ हमारे YouTube पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हो तो देखो यार नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, उसे दबाओ और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा के ऑन कर लेना, उसकी वजह से आपके पास सारी अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचेंगे, ठीक है। लाखों लोगों ने दोस्तों हम पे भरोसा दिखाया, आप भी दिखाओ, इनका मैं प्रॉफिट करवा रहा हूं, आपका भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं देखो इस मैच के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों दी वॉन्डर स्टेडियम जो कि जोहान्सबर्ग के अंदर है उस वहां पर ये वाला मैच खेला जाएगा, ठीक है। मौसम की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखो मौसम की वजह से ये वाला मैच थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। मौसम यहां का एकदम क्लियर नहीं रहे, है ना, क्लाउडी मौसम रहेगा, थोड़े से थंडरस्टॉर्म आ सकते हैं, उसकी वजह से जो है मैच ट्रिकी हो जाता है। बाकी दोस्तों देखो जो फाइनल वेदर रिपोर्ट होगी वो अपन डेफिनेटली या टॉस के टाइम पे ही प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक्टिव रहना, क्योंकि उसके हिसाब से अपने टीम पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ पिच की, तो यार देखो जोहान्सबर्ग का जो पिच है उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बहुत बताया है, टोटल दोस्तों 4 मैच अभी तक इस सीजन में सक्सेसफुल मैच इस पर्टिकुलर मैदान में खेले गए हैं, जिनमें एवरेज स्कोर 175 के रहा है। तो इस मैच में भी आप सेमीफाइनल मैच ऑफ कोर्स 170-180 समथिंग एवरेज स्कोर इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो स्टार्टिंग में पेसर्स को यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ का जो पिच है वो स्लो हो जाता है और वहाँ पर स्पिनर को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों वो यहाँ पर पहले बैटिंग कर सकती है, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में सही रहता है लेकिन धीरे धीरे पिच स्लो होता जाता है, ठीक है। 4 में से दोस्तों 3 बार उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग किया। बाकी दोस्तों पिच से रिलेटेड भी अगर अपने पास और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि टॉस होने तक आ सकती है और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें तो कोई ज्यादा बात करने को है नहीं, पॉइंट टेबल की परफॉर्मेंस है, ये तो आप खुद भी देख सकते हो कि प्रिटोरिया कैपिटल्स पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर फिनिश की है और जो पार रॉयल्स है उन्होंने नंबर 4 पर फिनिश किया। जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली कैपिटल्स की है और इस मैच में भी जीतने के ज्यादा चांसेस ऑफ कोर्स कैपिटल्स के ही रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों देखो आगे जब मैं आपको प्लेइंग 11 वगैरह बताऊंगा तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है और पसंद आ रहा हो तो देखो यार आपके भाई का वीडियो है, फटाफट से आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। इस वीडियो पर दोस्तों आप लोगों के लिए लाइक टारगेट है 2,000 लाइक का मात्र, ठीक है। देखो यार आप लोगों के लिए फ्री में टीम्स ला रहे हैं, आपकी विनिंग करवा रहे हैं, तो इतना तो आप भी कर सकते हो, एक पैसा नहीं लगेगा आपका, फटाफट से आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो कैपिटल्स की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है आपकी स्क्रीन के सामने, लेकिन दोस्तों इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सबसे पहली बात वेन पार्नेल अगर फिट होंगे तो ये डेफिनेटली आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। और खेलेंगे किसकी जगह, या तो मोत्सुस्वामी बैटिंग या फिर प्रिटोरियस बैटिंग है, अब इनमें से किसकी जगह आपको खेलते हुए दिखते हैं वो तो देखा जाएगा अगर फिट होंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जोस लिटिल और विल जैक्स का ऑप्शन भी है प्रिटोरिया कैपिटल्स के पास, बट आई डोंट थिंक इनकी बारी आएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो यार इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि लिटरली मैंने कल ही आपको इन सबके रिकॉर्ड बताए,
ठीक है, एक बार जल्दी से ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों फ्लिप शॉट का अपने पास ऑप्शन आता है, इनका जो रिकॉर्ड है आपकी स्क्रीन के सामने है, आज तक का करियर रिकॉर्ड है। और उसके अलावा दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले जो 6 मैच इन्होंने खेले हैं 3 मैच में अच्छे पॉइंट दिए, पिछले मैच में 39 रन रुके, बहुत अच्छी पारी खेली थी, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेली थी। तो डेफिनेटली फ्लिप शॉट आपकी टीम के लिए अच्छे पिक रहने वाले हैं, स्पेशली तब जब कैपिटल्स पहले बैटिंग करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जोहान्सबर्ग का जो पिच है वो स्टार्टिंग में सही रहता है, फिर धीरे धीरे स्लो होता जाता है। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत मायने रखने वाली है इस मैच में, बिल्कुल भी मिस मत करना। फाइनल पिच रिपोर्ट भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास कुशल मेंडिस का ऑप्शन आता है, जिन्होंने पिछले मैच में तबाही मचाई थी, 80 रनों की पारी खेली थी। और अगर आप दोस्तों इनके पिछले 5 मैच भी देखोगे तो सिर्फ एक मैच में ये खराब परफॉर्मेंस दिएगी, बाकी हर एक मैच में इसने अच्छे पॉइंट दिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ डी ब्रुइन की, तो ये आपके लिए एक रिस्क की अच्छा पिक हो जाता है मिनी क्रेनलिक के लिए, ठीक है। इन्होंने दोस्तों पिछले 2-3 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो 42 की भी पारी आ चुकी है, 36 की भी आ चुकी है, 53 की भी आ चुकी है, ठीक है। मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 30+ का बैटिंग एवरेज भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाते हैं मिनी क्रेनलिक के अच्छे पिक। उसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो रायली रोसो का ऑप्शन आता है, जिन्होंने दोस्तों स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी, लेकिन अगर आप पिछले 3 मैच देखोगे तो सिर्फ पिछला वाला मैच ऐसा था जिसमें सिर्फ 100 की स्ट्राइक रेट थी, उससे पहले 40 रनों की पारी भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ आई थी और 18 रनों की पारी भी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ आई थी। तो देख लेना, अगर आपको सेफ खेलना हो तो रायली रोसो को रख लेना, अगर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, स्पेशली तब जब कैपिटल्स की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करे। सेकंड इनिंग में बैटिंग करिए मतलब कि पिच स्लो हो चुका है, मतलब कि रायली रोसो के चलने के चांसेस और कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कोलिन इंग्राम की अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि भाई के पास एक्सपीरियंस है, 300 से ज्यादा मैच खेल चुका है, कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पिछले मैच में 41 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोलिन इंग्राम को पिछले मैच में 2 ओवर फेंकने का भी मौका मिला था, लेकिन वो इस सेमीफाइनल मैच में नहीं होने वाला। पिछला वाला जो मैच था वो कैपिटल्स के लिए एक तरीके से एक्सपेरिमेंट मैच था, ठीक है। उसके अलावा जिमी नीशम की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, डेफिनेटली आपकी टीम के लिए वन ऑफ द बेस्ट पिक रहने वाला है, क्योंकि बंदा बैटिंग भी करेगा, क्योंकि बंदा बॉलिंग भी करेगा, और बैटिंग और बॉलिंग दोनों के साथ आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइस है। उसके अलावा दोस्तों मुत्सेमे की अगर मैं बात करूं, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, अगर खेलते भी हैं तो अपनी टीम में नहीं रखूंगा, बाकी मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इनकी जगह बेन पार्नेल आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मिगेल प्रीटेरियस की अगर मैं बात करूं, इनका जो रिकॉर्ड है आपकी स्क्रीन के सामने, इकोनॉमी रेट थोड़ी हाई रहती है लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। पिछले 3 मैच में 5 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, हालांकि दोस्तों उससे पहले 2 मैच इनके विकेट लेस भी गए थे। ईथन बोस की अगर दोस्तों मैं बात करूं, ये भी एक कंसिस्टेंट बॉलर है, ठीक है। अगर आप इनके पिछले 6 मैच देखोगे तो सिर्फ 1 मैच में इन्होंने जो है विकेट नहीं लिया, बाकी हर एक मैच में विकेट लिया है, और आपकी टीम के लिए डिसेंट पिक हो जाते हैं। आदिल रशीद और रणजीत सिसोदिया, ये दोनों तो आपकी टीम के लिए बहुत अच्छे पिक रहने ही वाले हैं, खासकर कि तब आदिल रशीद तो तब हो जाते हैं जब जो कैपिटल्स की टीम है वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है, क्योंकि तब तक पिच स्लो हो गया होगा और आदिल रशीद जैसा क्वालिटी स्पिनर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, और ये कर ही रहे हैं यार। पिछले अगर आप 4-5 मैच देखोगे हर एक मैच में इसने विकेट लिया, तो आदिल रशीद भी आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों रॉयल्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 वो आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें दोस्तों ये चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप देखोगे तो इनके पास प्रॉपर जो है बॉलिंग ऑप्शन 5 है, ठीक है। अगर आप इनको एक एक्स्ट्रा चाहिए तो किसी ना किसी ऑलराउंडर को इंक्लूड करेंगे, या तो विहान दुबे या फिर फ्रिस्को एडम्स, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी चेंजेस होंगे वो तो खैर अपने को फाइनल प्लेइंग 11 आने के बाद ही पता लगेंगे, और जो भी पता लगेंगे आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों पॉल शिल्लिंग का ऑप्शन आता है, इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों पिछले मैच में इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका T20 में खेला था, जिनमें उन्होंने 19 रनों की पारी खेली थी 190 की स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब कि अच्छे कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉल शिल्लिंग आपकी टीम के लिए डेफिनेटली एक सेफ पिक हो जाता है, ठीक है। जेसन रॉय की अगर दोस्तों मैं बात करूं, इस बंदे का और मेरा पता नहीं क्या चलता है, ऐसा है कि मतलब पिछले 6-7 मैच में इसने परफॉर्मेंस नहीं किया, और इस मैच में देखो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी स्मॉल की टीम में तो डेफिनेटली नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रख लो, क्योंकि यार जेसन रॉय एक क्वालिटी बैट्समैन है और अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी कर सकता है, कभी भी आ सकती है इसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जोस बटलर की मैं बात करूं तो डेफिनेटली अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट पिक है ना। पिछले मैच में 50 आई थी, उससे पहले 50 आई थी, उससे पहले 37, उससे पहले 68, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे चॉइस हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं वन बुरेन की, तो इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, 32 के समथिंग का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, लेकिन इस साउथ अफ्रीका T20 के सीजन में अभी तक क्लिक नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन आता है डेविड मिलर का। डेविड मिलर को भी दोस्तों ऑफकोर्स एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और इन्होंने टाइम टाइम पे अच्छी पारी खेल भी है। अब देखो यार पिछले मैच में हमने डेविड मिलर को अपनी टीम से ड्रॉप किया था, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी, लेकिन यार पिछले मैच को ध्यान में रखते हुए इस मैच में इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच है। डेविड मिलर एक रेस्पॉन्सिबल प्लेयर है और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ऑन मॉर्गन की अगर मैं बात करूं, इनका भी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने, अच्छी परफॉर्मेंस ये बंदा भी कर सकता है, लेकिन यार इनका बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा डाउन है, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एंडल फेल्पॉय की अगर मैं बात करूं, ये बंदा बैटिंग और बॉलिंग
दोनों स्पून दे सकता है। बैटिंग से अभी तक इसी रन में क्लिक नहीं किया है, लेकिन बॉलिंग से दो मैच में 3 विकेट निकाल चुका है। ठीक है, इवान जोन्स की अगर दोस्तों में बात करूं, उनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, पिछले कुछ मैच में दोस्तों ये थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। पिछले अगर आप इनके 4-5 मैच देखोगे तो सिर्फ 2 मैच में इन्होंने विकेट निकाले हैं, इसलिए हो सकता है मैं अपने स्मॉल की टीम में नहीं रखूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन मैच से पहले अगर आप जाके देखोगे तो हर एक मैच में इसने 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट निकाले, तो आपके लिए एक रिस्क की ग्रैंड लीग के अच्छे पिक ये भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बियॉन्ड 14 का ऑप्शन आ जाता है। पिछले मैच में हमने इनको भी ड्रॉप किया था क्योंकि वहां पर स्पिनर को सपोर्ट नहीं था। अब बात आ जाती है जोन्स पर कि जहां पर स्पिनर को सपोर्ट है तो फिर 14 आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, क्योंकि पिछले मैच की अगर हम हटा दें तो उससे पहले इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है। ठीक है, और 14 का दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो यार ये वाला जो मैच है ना, ये दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा, पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट। ठीक है, और दोनों के दोनों जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएंगे। ठीक है, पूरा अपडेट आपको लेना है टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों लुंगी अंगड़ी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट अभी बॉलर है इस टीम के, हर एक मैच में ऑलमोस्ट विकेट निकाला है, सिर्फ एक मैच इनका विकेट लेस गया है ना। और तबरेज शमसी दोस्तों जो कि पिछले मैच में नहीं खेले थे, इस मैच की कंडीशन के हिसाब से इनको वापस बुलाया जा सकता है, हो सकता है नहीं भी बुलाया जाए, वो तो फिर फाइनल प्लेइंग 11 के बाद पता लग ही जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ भाई शमसी को इस मैच में वापस बुलाया जा सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ ये बंदा विकेट निकाल रहा था। बाकी दोस्तों अभी तक मुझे आपको इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन बतानी थी ना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब हम देख ही चुके हैं। अब आगे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक टीम बना के दिखाने वाला हूं, लेकिन यार वही बात है, ये जो भी टीम मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक डेमो टीम रहेगी, बाकी अपनी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी। ठीक है, अपना जो वीडियो है दोस्तों वो 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लेना है या फिर कमेंट बॉक्स खोल लेना है, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है और लाखों लोगों के साथ आपको भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने टीम लेवल की स्क्रीन पे और मैं आपको फटाफट से एक डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन की अगर अपन बात करें तो अपने पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं, और तीनों के रिकॉर्ड मैंने आपको बताए हैं, और रिकॉर्ड के हिसाब से तीनों को हम अपनी टीम में रखेंगे, क्योंकि तीनों की तीनों अच्छी फॉर्म में भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों देखो बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग सेक्शन में आने पर अपने पास रेले रोसो का ऑप्शन है, डेविड मिलर का ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें डेविड मिलर को तो मैं 100% अपनी टीम में रखने वाला हूँ इस बार, क्योंकि डाउन दी ओर रखे बंदा अच्छी वेटिंग कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट मैच है, रेस्पॉन्सिबल प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे से जेसन रॉय का ऑप्शन है, जिसके बारे में आपको बता दिया, अगर आप अपनी ग्रैंड लीग वगैरह की टीम में ट्राई करना तो कर सकते हो, अच्छे प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों नीचे से अपने पास डी ब्रायन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपको मिनी ग्रैंड लीग के अच्छे विक है, अगर आपको रिस्क की टीम बनानी हो स्मॉल लीग में तो उसमें भी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ओन मॉर्गन है, जिनका बैटिंग ऑर्डर कुछ ज्यादा डाउन है इसलिए नहीं रखूंगा, कोलिन इनग्राम है, जिनका भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन है इसलिए शायद अपनी टीम में नहीं रखूंगा। बाकी दोस्तों कोलिन इनग्राम को डेफिनेटली आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिछले मैच में ही इसने अच्छी परफॉर्मेंस की है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पोल स्टर्लिंग का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, जिनको आप एक सेफ प्लेयर की तरह अपनी टीम में पिक कर सकते हो, और वन बुरेन को अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कर रहा हूं दोस्तों पोल स्टर्लिंग को पिक, और ऊपर से आके फिर मैं एक बार एली रोसो को ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो रोसो को ड्रॉप करके तनेश डी ब्रायन को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, अपने पास जिमी निशम का दोस्तों ऑप्शन है, एंडियल फेलबॉय को अपने पास ऑप्शन है, उसके अलावा इवान जोन्स का ऑप्शन है। अगर दोस्तों वेन पार्नेल आज के मैच में खेलते हैं तो मैं 100% किसी भी तरीके से वेन पार्नेल को अपनी टीम में रखने वाला हूँ, अदरवाइज दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से सिर्फ जिमी निशम को मैं अपनी टीम में रखूंगा, और एंडियल फेलबॉय एक अच्छी चॉइस है जिसको हम अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, तो बोलिंग सेक्शन में दोस्तों देखो यार अपने को प्लेयर उठाने ही है, अनरिच नोटिया, बियान 14, आदिल रशीद। ठीक है, ये दोनों में क्यों उठा रहा हूं आपको पता लग गया होगा, क्योंकि स्पिनर फ्रेंडली विकेट रह सकता है, और इनमें से किसी एक को मैं ड्रॉप भी कर सकता हूं, और कौन से प्लेयर को ड्रॉप करूंगा वो टॉस के टाइम अपन डिसाइड करेंगे, क्योंकि पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ये बात मैं आपको वापस बोल रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों नीचे से लुंगी एंगिडी को मैं उठा रहा हूं, इन दोनों में से किसी अगर आप एक को ड्रॉप करके इतन बोस को अपनी टीम में ट्राई करना चाहो वो कर सकते हो, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन से एंडेल फेलकॉय को ट्राई करना चाहो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों अपनी जो वीडियो की डेमो टीम है वो आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे, कोई भी अपडेट होंगे, है ना, वो सब आपको मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पर आपको टॉस के बाद प्रोवाइड करवाई दिए जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है। बाकी दोस्तों बात करें अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की, नहीं कह रहा प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, तो जिस भी भाई ने अभी तक भी यार वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जाते जाते यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और साथ साथ जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है ये चैनल, वो भी एकदम फ्री में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो जोस बटर डेफिनेटली आपकी टीम के लिए एक अच्छे पिक रहने वाले,
उसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी के साथ जाना चाहो तो जिमिनेशियम ऑफकोर्स इसके बारे में आपको बताया, और बोलिंग सेक्शन में देख लेना ठीक है। आनरिच नोटिया भी अच्छे प्लेयर हो जाते हैं पिक करने के लिए, और अच्छी फॉर्म में तो वैसे तो कुशल मेंडिस भी है ठीक है। बाकी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस में भी कोई चेंजेस होंगे तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।